मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं मानसून 2021 का, लोगों को बेसब्री से इंतजार है। और अच्छी खबर यह है कि मानसून 2021 का राजस्थान वासियों के लिए अब लंबा इंतजार नहीं होगा। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में मानसून इस बार 15 दिन पहले ही पहुंच रहा है। मौसम विभाग की माने तो अनुकूल मौसमी परिस्थितियों की वजह से दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अगले एक हफ्ते के दौरान राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी और गुजरात के कच्छ क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में छाने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इस साल पूरे देश में जून से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सामान्य बारिश की संभावना है। इस बार मानसून की दस्तक के करीब एक सप्ताह बाद देश के आधे हिस्सों में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। राजस्थान में भी प्री मानसून की फुहारों ने अब प्रदेश वासियों को हल्की राहत देना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के करीब एक दर्जन जिलों में मौसम बदलने के साथ ही लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलने लगी है। आज भी प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 13 और 14 जून को राज्य के उत्तरी भागों में भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर थंडर स्ट्रॉम के साथ बारिश की संभावना है, तो वहीं शेष भागों में अगले दो दिन तक मौसम शुष्क ही रहेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि 15 और 16 जून को आंधी व बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में मेघ गर्जन के साथ तेज अंधड़ चल सकती है, जिसकी रफ्तार करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। बारिश होने की भी संभावना है। और आज आप देख रहे होंगे कई जिलों में तेज हवाएं चल रही है, बादल भी आ गए हैं। यानी कि आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान राजस्थान के कई जिलों में आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि मानसून वाली तेज बारिश का अभी आपको इंतजार करना होगा। वैसे ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। मानसून की ताजा स्थिति जाने तो बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की तरफ से कम दबाव का क्षेत्र बनने से देश के कई राज्यों में मानसून समय से पहले ही पहुंच गया है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक मानसून की बारिश हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में भी मानसून दस्तक दे सकता है और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मानसून 2021 दक्षिणी गुजरात तक पहुंच चुका है और राजस्थान में मानसून के जून के अंत तक पहुंचने की संभावना है। वैसे अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि जिस तेज गति से मानसून बढ़ रहा है, उस गति के हिसाब से अगले हफ्ते तक राजस्थान में मानसून की बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। और देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के करीब आने के साथ ही राजस्थान में प्री मानसून एक्टिविटीज बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि 13 जून से लेकर 15 जून तक कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में तीव्र थंडर स्ट्रॉम के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती है। हालांकि जोधपुर संभाग के ज्यादातर भागों में मौसम अभी अगले 3 से 4 दिन शुष्क ही बना रहेगा। आप देख रहे होंगे प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम ने करवट ले ली है। भीषण गर्मी से भी लोगों को थोड़ी सी कहीं न कहीं राहत मिली है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम ऐसा ही रहेगा। कहीं पर हल्की बारिश होगी, कहीं पर धूल भरी हवाएं चलेगी। तो यही प्रदेश के मौसम और मानसून 2021 को लेकर खास रिपोर्ट। राजस्थान की बाकी तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।